गद,
दरिया के पास बैठ के जोर बैठ जाते जाके काम धंधे को तो लालो ही नहीं का दो तो काम धंधो करनो है के नहीं करनो घर को। ए जे माई मम्मी और अब प्रवचन सुनाई दे लग गई मुए, मैं काम की बात तो सुनी नहीं बिन्ने। मम्मी मैं कह रहा हूँ ता बात है तो सुन ले पहले। हाँ बोले काय की कह रहे हो। मम्मी मैं बो यो कह रही हूँ। हाँ तो बोल ना का कह रही हो। मम्मी वो जाड़े आ गए अब। हाँ तो मर क्यों रहे हो, रजाई भरवा देंगे एक दो दिन में। मम्मी रजाई की जरूरत ना है, रजाई तो पहले ही होते है। अब तो देवर थाना आ गए ना, और देवर थाना आ गए तो क्या करूँ। मम्मी देवर थाना पे क्या होता है, बाकी तैयारी करवाऊ ना। देवर थाना पे क्या होता है, देवर तन्ने उठाते हैं तो देवर थाना ने कितना उठा देंगे। अब इतने का जरूरत पड़ रही है तैयारी करने की। यार कैसे समझाऊ मम्मी ने अपनी, समझ तू तो उतना है माई मम्मी। मम्मी मैं यो कह रही हूँ, देवर थाना आ गए तो अब बोलना आगे क्या बोलना चाह रहे हो। मम्मी अब की देवर थाना पे ब्याह करवा दू मैं। ब्याह करवा दो कछु हमारे हाथ में को रिश्ता लेके आ जागो तो है जागो ते गोनो और बेसम ते पहले लौट गए बहुत बेरा। मम्मी मोए कछु ना पत्ते ब्याह होना चाहिए मियो। और आ जा 21 तारीख के साए में ब्याह होना चाहिए मियो। मैं कछु उन तो सीधा कर लेंगे अगर ब्याह नहीं कर रहा तो तुमन ने। ए भगवान का करूं यार औलाद को का नहीं करूं, मैं तो कछु समझ में ना आते। ऐसी औलाद पल्ले पड़ गई है के खून पिरा गए जीनो आराम कर रहा को इनने। मोए ना पत्ते मम्मी मियो तो ब्याह करवा दूं देख लियो परे। मांजा मोरा मांजा मत में खून न पिया तू, मर जाऊंगा डोके मर जाऊंगा, सच बता रहा हूँ ब्याह करवा दूं मेरो। मांजा खड़ी काए मांजा उन्हें कह रहा हूँ वैसी मांजा ओ करवा दे डोके करवा दे। अरे जिता देख रहे हूँ मैं, देख लियो तुम अपनी औलाद के कारनामे देख लियो, तुम अपनी आंखों से देख लियो। चोरे जिक्का नौटंकी है रे, मैं मर जाऊंगा डोकरा मर जाऊंगा मैं, ब्याह करा दूं मेरा। अबे करवाऊं तेरा गोनो ओ करवा दूं मैं बहुतों ना डब्बा रे है वो तो ना लुगाई डब्बा रे है ओ सब मोड़े निके ब्याह है गे मैं सिंगते सब मोड़े अपने अपने मोड़ी मोड़न ने खिला रहे हैं ओ सब मोड़े खिला रहे मैं ब्याह क्यों ना करवा रहे तुम। सब अपनी अपनी बहू ने घुमा दे के कहां ले जाता, सब अपनी अपनी ससुराल जाते हैं। ओ मैं कब जा बेंगो अपनी ससुराल रे, मैं कब तक तुम्हारी ससुराल जात रे बेंगो मैं यो बताऊं। पापा ब्याह करा दूं नहीं तो मर जाऊंगा कसम से आज मर जाऊंगा मैं। ओ मैं कब तक अकेला मोटरसाइकिल पे घूमत फिरेंगो, पापा करवा दूं मेरा ब्याह करवा दूं चुपचाप। ए भगवान का करे जा मोड़ा को का नहीं करे, कछु समझ में ना आ रहा मेरी सास के ब्याह छड़ बैठो है वो तो कह का है गयो ये बालक काय को परेशान कर रहा को तुम ने क्यों चिल्ला रहो है ये। अरे भाई भूप सिंह कछु मत पूछे, जाए मोड़ा ने तो हम परेशान कर ले मेरी सास को ब्याह के का जिद कर रहो। अब का करे आगे सगाई भाई लौट जाते हैं तो का करे, हमें नकल निकाल जाते हैं तो खाते करवाने आपको ब्याह। बस इतनी सी बात या के काय परेशान है रहे हैं तुम। अरे कल हमारे गदड़िया के ससुर को फोन आया हो तो भी अपनी मोड़ी को रिश्ता देख रहे हैं तो क्यों ना मजा तोता के सिंगल करवा दे मैं रिश्ता। वो करवा दू तुम करवा दो, गदड़िया की सारी के सिंगल करवा दो, वो पसंद है तुम करवा दे। तुम्हारे पैर पर रहे हूं, बस तुम करवा दे। अरे बेटा तोता तू परेशान क्यों है रहो है, त्यो ब्याह पक्को है यो मान ले। मैं तुम्हारे ऐसा नो कमाऊ नहीं भूलेंगो ताऊ, कमाऊ नहीं भूलेंगो जिंदगी भरे। तो फिर का सोच रहा भूप सिंह, ओन देव बात चीता बका देख रहे हैं। मेरी सास के या मोड़ा ने हमारे खून पीरा के कमे ते कमे जे खून ने तो नहीं पिया करेगो, मन ने परेशान तो नहीं कर करेगो। ठीक है तो आज बात कत्तू में बा गदड़िया के ससुरते और रिश्ता पिस्ता पक्को करवाए के नहीं ब्याह करवाते भाई सिंगई। और गदड़िया की बहू और बाकी बहन दोनों को बढ़िया काम है, जाओ एक ही गांव में बनी रहेंगी। ठीक है तो करो फिर बात जाके आ जाओ। ठीक है ठीक है। आसा तुम कहाँ चले, या वीडियो का अगला पार्ट बहुत जल्द आ रहेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दियो, तो प्यारी सी कमेंट कर दियो, चैनल पे नए हो तो चैनल कर दियो सब्सक्राइब। मिलते हैं।